Hello students, I am Mrs. Anita Malu from NCMS School, Jhabwa. आज हम पाठ 6 व्याकरण का पढ़ेंगे जो है संज्ञा के विकार। जो आगे हमने पढ़ा था संज्ञा, तो संज्ञा शब्दों से आप सब परिचित हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, इसलिए प्रयोग करते समय इनके रूप में विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा में वह विकार तीन कारणों से होता है, जैसे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिंग के आधार पर पढ़ेंगे। लिंग माने लिंग के प्रकार दो रहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर जैसे कि स्त्रीलिंग के लिए एक उदाहरण देंगे तो लड़की, और पुल्लिंग के लिए एक हम उदाहरण देंगे लड़का। उसी प्रकार यहाँ पर लड़का और लड़की स्कूल जा रहे हैं, यहाँ आपको चित्र में दिया गया है। तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार धोबी और धोबीन कपड़े धो रहे हैं, ये दूसरे वाले चित्र में दो दिए हैं, लिंग के दोनों प्रकार के दिए हैं। जैसे धोबी पुल्लिंग है और धोबीन उसका स्त्रीलिंग है। धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबीन। और धोबीन का पुल्लिंग क्या होगा? धोबी। इसी प्रकार उपरोक्त वाक्य में लड़का व धोबी शब्दों से उनके पुरुष जाति या लड़की व धोबीन शब्दों से उनकी स्त्री जाति का हमको बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार हैं, जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो आपको मैंने आगे समझाया। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे क्षत्रिय, नेता, साधु और मोर, ये क्या है? पुल्लिंग। अगर इसकी जगह सत्राणी दिया होता, जैसे नेता, साधु और मोर, तो ये इनका ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग में, जैसे क्षत्रिय का, जिन शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर क्षत्रिय पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? क्षत्राणी। नेता, ये पुल्लिंग शब्द, नेता का नेत्री, साधु का साध्वी और मोर का मोरनी। उसी प्रकार जैसे कि शेर का शेरनी ना, शिक्षक का शिक्षिका, इसी प्रकार लिंग की पहचान भाषा से होती है। माने यहाँ पर लिंग की पहचान, लिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले भाषा को समझना बहुत जरूरी है। भाषा के उचित तथा दैनिक उपयोग से शब्दों में लिंग की पहचान सीखी जा सकती है। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान स्त्री व पुरुष जाति से संबंधित होने के कारण आसानी से हो जाती है, परंतु अप्रामाणिक वाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रियाओं और विशेषण से होती है। क्रिया और विशेषण दोनों से उसकी पहचान होती है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंगी रहते हैं, जिसका स्त्रीलिंग नहीं कर सकते। मतलब वृक्षों के नाम है, जैसे कि पीपल, बरगद, अशोक, अनार, तो ये इसका अगर हम स्त्रीलिंग करने जाएंगे तो नहीं होगा, ये हमेशा पुल्लिंगी रहते हैं। धातुओं के नाम, जैसे सोना, लोहा, जैसे सोना का सोनी नहीं हो जाएगा, लोहा, पीतल, तांबा आदि, जैसे चांदी वगैरह। अनाजों के नाम, जैसे चना, मक्का, चावल, गेहूं, मूंग, बाजरा आदि। जैसे कि चांदी इसमें अपवाद था, ऐसे इसमें ज्वार भी अपवाद है। महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, नवंबर, चैत्र, वैशाख आदि। इसमें भी कुछ अपवाद रूप मंथ रहते हैं, जैसे कि जनवरी, मई, जुलाई। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि। देशों के नाम, रूस, जापान, भारत, अमेरिका। कुछ
शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंगी रहते हैं, जैसे कि नदियों के नाम हैं, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, कावेरी आदि। ये मतलब हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही आता है। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, इस प्रकार से लिया जाए कोई भी तिथि। भाषाओं के नाम हिंदी, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती आदि। फलों के नाम लीची, नारंगी, नाशपति आदि। कुछ फल फलों में भी अपवाद रूप है, अनार, अंजीर, चीकू आदि। और इकारण शब्द बेटी, रोटी, ककड़ी, मकड़ी, चोटी आदि, ये शब्द इकारण शब्द है। कुछ शब्दों के आगे नर या मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, उसे बनाए जाते। जैसे नर मच्छर है तो मादा मच्छर, नर भेड़िया मादा भेड़िया, नर भालू मादा भालू, नर बिच्छू मादा बिच्छू। इस प्रकार से इनके आगे जैसे नर लगाया जाता है, और पुल्लिंग के आगे नर लगाया जाता है, और वही जैसे मच्छर है पर उससे आगे नर लगाकर नर मच्छर माने पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग शब्द होगा तो मच्छर के आगे मादा लगाया जाता है। ऐसे ही भेड़िया के आगे नर लगाया जाता है पुल्लिंग में, तो भेड़िया का स्त्रीलिंग बनाएंगे भेड़िया का तो मादा भेड़िया। इसी प्रकार भालू और बिच्छू का भी आता है ना। आ या ई जोड़कर पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द से बनाने में कुछ नियम। प्रिय का प्रिया, अध्यक्ष का अध्यक्षा, देव का देवी, तरुण का तरुणी। इसी प्रकार आपको बुक में अन्य भी दिए गए हैं। इया या इन शब्द को जोड़कर भी कुछ शब्द बनाए गए जो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिए गए। बंदर, चूहा, पुजारी, धोबी। तो बंदर का बंदरिया, चूहा का चूहिया, पुजारी का पुजारी, धोबी का धोबिन। इसी प्रकार ये अन्य शब्द भी दिए गए हैं। आइन या आनी जोड़कर भी शब्द बनाए जाते। जैसे हलवाई है, ठाकुर है, सेठ है, जेठ है, तो इनका हलवाई का हलवाइन, ठाकुर का ठाकुराइन, और सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी। इसी प्रकार ये अन्य शब्द कुछ और भी बुक में आपको दिया गया है। इका या नी जोड़कर भी शब्द बनाए जाते हैं। लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, रीच, रिचनी, ऊंट, उठनी। या इका माने लेखिका में इका जोड़ा है, जो ऊंट में उठनी नी जोड़ा है, इसी प्रकार ये शब्द बनाए। मान को मति और वान को वती में बदल कर भी बनाया जा सकता है। जैसे किसी के मान लिखा रहता है आयुष्मान, तो उसके साथ आयुष्मती है ना। बुद्धिमान बुद्धिमती, रूपवान रूपवती, भगवान भगवती। इसी प्रकार यहाँ पर मान को मति और वान को वती में बदल कर भी बनाया जाता है। अब हमको संज्ञा को वचन के आधार पर उसकी रचना किस प्रकार होगी वो पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लड़के, तो लड़के वचन का मतलब एक या एक से अधिक वस्तु का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। वचन के भी दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन माने एक ही वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का बोध होता है। और इसी प्रकार बहुवचन में एक से एक 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 नहीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर एक लड़का है पर यहाँ पर दो से अधिक है, तीन लड़के हैं, तो इसको लड़के बोलेंगे, लड़का का लड़के। यहाँ पर एक बोतल दी गई है और यहाँ पर पांच बोतल दी गई है, तो एक से अधिक है ना, तो बोतल का बोतले हो जाएगा। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे लड़का व बोतल शब्दों में से एक संख्या तथा लड़के व बोतले में से शब्दों का अनेक संख्याओं का ज्ञान हमें वचन द्वारा होता है। इसी प्रकार शब्द के जिस रूप से इसके एक या अनेक का बोध होता है उसे जो हमने अभी समझा कि वचन कहते। कोयल तो कोयले, पंखा पंखे, जलेबी जलेबिया, चाबी तो चाबिया।
वचन की पहचान, वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। लड़का पढ़ रहा है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, लड़के पढ़ रहे हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, एक वचन का बहुवचन। और इसमें भी फुटबॉल खेलता हूँ, ये भी एक वचन है, और बहुवचन करते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो हम सर्वनाम के आधार पर हो गया, लड़के संज्ञा के आधार पर हो गया, यहाँ पर बहुवचन। क्रिया के आधार पर, मोर नाच रहा है, ये एक वचन है, पर मोर नाच रहे हैं तो ये क्रिया के आधार पर रहे हैं, माने कुछ क्रिया हो रही है। छात्र पुस्तक पढ़ता है, ये एक वचन के आधार पर है, तो छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, ये बहुवचन के आधार पर इसका होता है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आकाश, जनता, वर्षा, आग, पानी, घी, क्रोध आदि, इनका बहुवचन नहीं होता है। वह हम एक वचन में भी यही बोलेंगे और बहुवचन में भी यही बोलेंगे, इनका मतलब बहुवचन नहीं हो सकता है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल आदि। तो आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम, अ को ए में बदलेंगे, जैसे आंख का आंखें होता है, किताब का किताबें, दाल का दाले, किरण का किरणे, भैंस भैंसे, कमीज कमीजे, इसी प्रकार अ से अ को ए में बदलकर, और आ को ए में बदलकर, अब ये ए में बदला था, अब आ को ए में बदलना है। बस्ता बस्ते, पत्ता पत्ते, बेटा बेटे, पौधा पौधे, इसी प्रकार आ को ऊ या औ में, औ में या ए में जोड़कर, जैसे सेना सेनाएं, तो लेखिका लेखिकाएं, वस्तु वस्तुएं, कथा कथाएं, माला मालाएं, ऋतु ऋतुए, रेखा रेखाएं, धातु धातुए, गौ गौए, इसी प्रकार ई को ईया में बदलकर, चीटी चीटिया, लड़की लड़किया, रोटी रोटिया, इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आपको बुक में दिया गया है। या को या में बदलकर, चिड़िया चिड़िया, बंदरिया बंदरिया, खटिया खटिया। हाँ, अंत में जन वृंद वर्ग लोग या गण जोड़कर बनाए, जैसे गुरुजन तुम लोग, ये सब गुरु का गुरुजन, तुम का तुम लोग, शिक्षक का शिक्षक वृंद, नेता का नेतागण, शिक्षक गण भी आ सकता है। इसी प्रकार कारक को, निम्न को ध्यान पूर्वक, रोहित एक सुंदर चित्र बनाया, मछलियाँ पानी में तैरती है, अब उन्हीं वाक्यों को प्रक, रोहित ने एक सुंदर चित्र बनाया, मछलियाँ पानी में तैरती है, इसी प्रकार यहाँ पर उसका परसर्ग भी कहा जाता है, जिनको जोड़कर, तो ने और में ये कारक के प्रकार है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, उसे कारक कहते हैं। वो कारक के 8 भेद है, जो इस प्रकार है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, और उसके चिन्ह है, जैसे कि कर्ता का ने, तो उसकी पहचान कैसे होगी, क्रिया करने वाला जो कुछ कार्य कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। कर्म को जिस प्रकार क्रिया का प्रभाव पड़े, करण से या के द्वारा जिस साधन द्वारा किया क्रिया संपन्न हो, संप्रदान को या को के लिए, तो जिसके हित के लिए क्रिया की जाए, अपादान से जिससे कोई वस्तु अलग हो, संबंध का की के जो संबंध को प्रकट करता है, और अधिकरण में या पर जो क्रिया का आधार हो, संबोधन है या अरे तो जिससे हम किसी को संबोधित किया जाता है। यहाँ पर कारक चिन्हों के कुछ वाक्यों में प्रयोग करके उसके उदाहरण दिए गए, जैसे कर्ता में शुभम ने नई कमीज पहन रखी,
तो ने क्या है? कर्ता का चिन्ह है। कर्म, माँ बच्चे को खाना खिलाती है तो को उसका कारक चिन्ह है कर्म का। करण, यहाँ पर दो आते हैं, से और के द्वारा। रेलगाड़ी बिजली से चलती है, पीयूष कार के द्वारा दिल्ली गया, तो ये से और के द्वारा करण के कारक चिन्ह, करण के चिन्ह है। संप्रदान, बिल्ली को देखकर चूहा दौड़ा, पिताजी मोहित के लिए आम लाए, को और के लिए कारक के संप्रदान के चिन्ह है ये। अपादान, लापरवाह मजदूर छत से गिर पड़ा तो से उसका कारक चिन्ह है। संबंध, दिल्ली भारत की राजधानी है और सज्जनों के उपदेश के अच्छे से अच्छे होते हैं तो की के राजा का घर पास में है तो का की के, ये इसके कारक चिन्ह है संबंध के। अधिकरण, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं तो मैं उसका कारक चिन्ह, इसका पर भी है एक कारक चिन्ह, पुस्तक मेज पर रखी है तो मैं और पर अधिकरण के कारक चिन्ह है। संबोधन, बच्चों बाहर जाकर खेलो, अरे तुम बड़ी जल्दी तैयार हो गए, तो बच्चों और अरे ये संबोधन के चिन्ह है। तो हाँ तो यहाँ पर आपको कारक के विकार वाला लेसन समझाया और आपको पाठ फुलवारी का जो दो पाठों का कुछ प्रिंट मिस्टेक हुई है ये इसके बाद इस लेसन के अंत में विशेष नोट करके डाल दिया जाएगा तो आप करेक्शन कर दो सही गलत में। एक सुमन वाले पाठ में और एक नेहरू जी वाले पाठ में दो मिस्टेक है तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।